इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध का असर न केवल स्टॉक मार्केट पर बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियों के कारोबार पर दिखने लगा है। बता दें कि चॉकलेट से लेकर हेल्थ ड्रिंक समेत अन्य प्रोडक्ट बनाने वाली नेस्ले ने इजराइल में अपने कारोबार को बंद कर दिया है। कंपनी की जारी एक बयान में कहा गया है कि युद्ध की हालत को देखते हुए इजराइल में अपने प्रोडक्शन प्लांट को अस्थायी रूप से बंद कर रहे हैं। बता दें कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध की वजह से बंद होने वाली कंपनी में नेस्ले पहले कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी बन गई है। नेस्ले के सीईओ मार्क स्नाइडर ने इस फैसले के बारे में जानकारी शेयर करते हुए कहा है कि इजराइल और हमास में जारी युद्ध के बीच हमारा पूरा फोकस अपने सहयोगियों और कर्मचारियों को सुरक्षित रखने पर है और हमने जरूरी सावधानियां बरती है और बिजनेस के ग्रोथ को लेकर ऐसे समय पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। बता दें कि इजराइल हमास वार में अब तक दोनों ओर से करीब 4,000 लोगों की जान जा चुकी है और हजारों की संख्या में लोग घायल हैं। इस युद्ध को 14 दिन हो गए हैं जो अभी भी जारी है। युद्ध के बीच जहां नेस्ले ने अपने प्लांट को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया है, तो वहीं दूसरी और अन्य बहुराष्ट्रीय पैकेज सामान कंपनियां अब इस संघर्ष पर चुप है। नेस्ले के इस फैसले के बाद यहां कारोबार कर रही रिटेल, हेल्थ सर्विसेज से लेकर ऑयल कंपनियां भी अपनी बात रख सकती है। बता दें कि नेस्ले स्विट्जरलैंड की FMCG कंपनी है। ये चॉकलेट समेत अन्य प्रोडक्ट्स बनाती है। कंपनी का मार्केट कैप 2.30 लाख करोड़ रुपया है। कंपनी की शेयर की बात करें तो वह आज 24,122 रुपया है। कंपनी के शेयर में आज 3.66 रुपये की तेजी देखने को मिली। वहीं पिछले एक महीने से कंपनी का स्टॉक 6.37% तक बढ़ा है। बता दें कि इजराइल की 500 से ज़्यादा कंपनियां भारत में कारोबार कर रही है। वहीं अडानी पोर्ट्स, सन फार्मा, डॉक्टर रेडीज, ल्यूपिन, टेक महिंद्रा, TCS, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनियों का निवेश है। वहीं ये कंपनियां कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर परेशान हैं और हालत पर नज़र बनाए हुए हैं।